हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण पट्टी का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ऑरेंज और वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। आपको जो कलर अच्छे लगते वो आप लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलो हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से सिंपल नॉट लगा के 10 चेन बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। उसके बाद आगे हम 3 चेन बनाएंगे, और जो हमारी 3 नंबर की चेन है, 10 नंबर की चेन है, उसके ऊपर हम इस तरह से एक सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से। उसके बाद आगे हम सारे चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारे डबल क्रोशेट बना के लिए हैं। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, टर्न करके आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। नीचे की 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट, जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी उसे मिला के हमारे टोटल 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें नीचे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। उसके बाद एक चेन बनानी है, एक चेन बना के नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक ही डबल क्रोशेट के ऊपर हमें टोटल 3 डबल क्रोशेट बनानी है। उसके बाद फिर से एक चेन लेनी है, एक चेन बनाने के बाद नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे की 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनानी है। इस तरह से। उसके बाद फिर से हमें 3 चेन बनानी है, टर्न करना है, टर्न करके जो नीचे 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट बनानी है। इस तरह से टोटल हमारे 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद एक चेन बनानी है, एक चेन बना के जो हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाए थे उसके बीच में जो 2 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से। उसके बाद एक चेन बनाएंगे, एक चेन बना के फिर से आगे की 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से। उसके बाद हमें फिर से 3 चेन बनानी है, टर्न करना है, टर्न करके आगे की 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनानी है। इस तरह से।
टोटल 4 हो जाएंगे। उसके बाद एक चेन बनानी है। एक चेन बना के जो हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाया उसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट बनानी है। इस तरह से एक डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट, उसके बाद एक चेन बनानी है और आगे की 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनानी है। इस तरह से उसके बाद फिर से हमें 3 चेन बनानी है, टर्न करना है, टर्न करके आगे की 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनानी है। उसके बाद एक चेन और जो हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए थे उसके बीच में जो 2 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और आगे की 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फोर इस तरह से। तो फ्रेंड हमें इसी तरह से पूरी डिज़ाइन बना के लेनी है। आपको आपके डोर के हिसाब से आप डिज़ाइन पट्टी की साइज लेके डिज़ाइन बना सकते हो। तो हमें इसी तरह से एक बार 3 डबल क्रोशेट, फिर से 1 डबल क्रोशेट, फिर 3, फिर 1, इसी तरह से हमें पूरी पट्टी की डिज़ाइन बनानी है। आप चाहे तो मल्टी कलर में भी बना सकते हो। जो हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट की लाइन बनाई है वहाँ पे आप कोई कलर इस्तेमाल करके आगे की जो हमने यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट बनाए हैं उस लाइन में कोई और कलर ऐड करके आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। इसी तरह से आप पूरी पट्टी बना के ले सकते हो। मैंने एक ही कलर में बनाई है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड इसी तरह से मैंने इस डिज़ाइन को पूरा बना के लिया है और इस तरह से पूरा करके लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने जिस तरह से पट्टी की शुरुआत की थी उसी तरह से पट्टी की डिज़ाइन ख़त्म भी उसी तरह से की है। जिस तरह से हमने यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाए थे उसी तरह से मैंने लास्ट में भी उसी तरह से डबल क्रोशेट बना के लिए है। तो फ्रेंड अब मैं आपको हम पट्टी के साइड से किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड साइड से डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। आपको जो कलर अच्छे लगते हैं वो आप लेके बना सकते हो। तो पहले हम धागे को ज्वाइन करके 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद उसी डबल क्रोशेट के ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 3 चेन का एक डबल क्रोशेट मिला के हमारे 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। और जो आगे का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम इस तरह से सिंपल डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम इस तरह से 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फोर और उसके बाद आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर हम यहाँ पे एक सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम आगे 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फोर उसके बाद जो आगे डबल क्रोशेट है उसके ऊपर सिंपल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड इसी तरह से हमें पूरी साइड की डिज़ाइन बना के लेनी है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया
सिंपल क्रोशेट, फिर से फोर डबल क्रोशेट, फिर आगे की गैप में यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम सिंपल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे बीच में फोर डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी पट्टी की साइड से डिज़ाइन इसी तरह से बना के लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पट्टी की पूरी साइड से डिज़ाइन बना के पूरा करके लिया है। आप इसी तरह से पट्टी की साइड की डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर आपको जिस तरह से बनाना आता है, कोई भी डिज़ाइन अलग अलग से आती है वो आप बना के ले सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने ऑरेंज और वाइट कलर का इस्तेमाल किया है, आपको जो कलर अच्छे लगते हैं वो लेके आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच।